कितनी हसीन है ये जिंदगी, कितनी दिलकश। मगर ये इंसान को बाज़ुकात ऐसी जगह पर ले आती है जहां इसकी खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है। और वो जिंदगी से बहुत दूर और मौत के करीब होता जाता है। जब सब कुछ होते हुए भी इंसान को यह एहसास है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और दुनिया में वो बिल्कुल तन्हा है, तो ऐसा इंसान एक हारा हुआ इंसान होता है। और मैं भी एक हारा हुआ इंसान हूं, हारा हुआ इंसान जो जिंदगी से मायूस होकर मौत को अपनाना चाहता है। सॉरी, आई एम सॉरी, मैं आपको काफ़ी देर से देख रही थी। आप काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे थे। आप गाड़ी से उतरे और यहाँ ऊंचाई पे बिल्कुल किनारे पे खड़े होके जहाँ नीचे सिर्फ खाई है, मुझे लगा आप अपने साथ कुछ गलत करने लगे। आप कुछ गलत करने लगे थे क्या? देखिए, मैं नहीं जानती कि आप क्या सोच के ये कर रहे थे, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं या ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। ज़िंदगी में अगर एक खाना ख़त्म होता है तो वहीं ज़िंदा रहने के लिए दूसरा मकसद मिल जाता है। आप भी अपने आसपास देखिए, यकीनन आपको भी जीने की कोई ना कोई वजह मिल जाएगी। अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो प्लीज अपने साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। जिंदगी बहुत कीमती है, इसकी कदर करें। सुनिए, आपका स्पेशल पेपर होगा। जी,
मेरा नाम और नंबर है। आपको जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आओ या किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। हाँ भाई, तुम पाकिस्तान वापस कब आ रहे हो? अच्छी बात है, मेरी भी आज रात की फ्लाइट है। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी और तुम्हें देख के खुशी होगी कि मैं ठीक हो गया। चला सीट चेकआउट करना है, बिल बनाइएगा। हेलो हेलो जी, मैं मेहर बात कर रही हूँ। कौन मेहर? तो नाम से कैसे पहचानेंगे? मैं वही जिसके अभी थोड़ी देर पहले आपसे मुलाकात हुई थी। आपने मुझे पेपर में अपना नाम और नंबर भी लिख कर दिया था, पहचाने आप? जी जी, मैं पहचान गया, बोलिए। वो एक्चुअली मैं प्रॉब्लम में घिर गई हूँ, क्या आप मेरी मदद के लिए आ सकते हैं? जी जी जी, मैं बिल्कुल पहुँच जाता हूँ अभी। मुझे लोकेशन बताइए, कहाँ हैं आप? शुक्र आप आ गए, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अच्छा आप घबराइए नहीं, मुझे बताइए क्या हुआ है। मैं दरअसल यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर आई हूँ। हम लोग पिक्चर्स लेने के लिए एक स्पॉट पर रुके थे, पिक्चर्स लेते लेते मैं इतनी दूर निकल आई, जब मुझे ख्याल आया कि मैं रास्ता भूल गई हूँ तो मैंने अपने दोस्तों को कॉल मिलाई, लेकिन उसी वक्त कुछ लोग आए और मेरा फोन और मेरा वॉलेट ले गए। अरे जी, फिर मैं जब वापस गई जहाँ हमारी वैन खड़ी थी तो वहाँ वैन भी जा चुकी थी। फिर मुझे इतनी टेंशन हुई, मुझे एकदम से याद आया कि मेरे बैग में आपका नंबर था, इसलिए फिर मैंने किसी का फ़ोन लेके आपको कॉल मिला दी। मेरे दोस्त एक्चुअली आगे भी एक स्पॉट पे रुकेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे लिए तो अनजान शहर है और पैसे भी नहीं है। आपके पास गाड़ी थी इसलिए मैंने सोचा आप सिर्फ अगर मुझे वहाँ तक पहुँचाते हैं। काम डाउन, आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, आइए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। आपने जो पॉइंट बताया है वो यहाँ से तकरीबन एक घंटा दूर है, और अगर हम इसी तरह खामोशी से सफर करते रहे तो ये सफर और लंबा हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप परेशान हैं, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपको जहाँ पहुँचना है मैं पहुँचा दूंगा वहाँ आपको। कोई बात कीजिए ना आप। मैं क्या बात करूं? अच्छा चलें, मैं ही शुरुआत करता हूं। मेरा नाम शबरेज है, मैं कराची में रहता हूं, गुस्से का थोड़ा तेज हूं, और जब ड्रग्स लेता था तो गुस्सा शायद थोड़ा ज्यादा आता था मुझे। आप ड्रग्स लेते हैं? नहीं, अब नहीं लेता हूं, पहले ड्रग्स लेता था। वो छोड़ने के लिए यहाँ पे एक रिहैब सेंटर है, वो ज्वाइन किया हुआ था पिछले 6 महीने से। अब आई एम परफेक्टली फाइन, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। आप कुछ नहीं बताएंगे अपने बारे में? मेरा नाम मेहर है, मैं भी कराची में ही रहती, यहां बस दोस्तों के साथ घूमने के लिए आई।
ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे नहीं, चेक कर दो। क्या हुआ? ठीक हुई? पता नहीं, चेक कर रहा हूं अभी तो मैं। प्लीज कुछ कीजिए, बाबा जाने इतनी मुश्किलों से मुझे परमिशन दी थी यहां आने की। अगर मैं जल्दी अपने दोस्तों के पास ना पहुंची और उन्होंने घबरा के बाबा को कॉल कर दी तो बहुत मसला हो जाएगा। अभी तो मैंने ठीक कर दी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ज्यादा दूर तक जा पाएगी। मैकेनिक को दिखाना ही पड़ेगा वरना ये बंद हो जाएगी रास्ते में। मैकेनिक? आप परेशान ना हो, आप बैठे, यहाँ करीब में ही होगा, मैं ढूंढ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, बस आप जल्दी से बना दें। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। क्या मतलब, कितना टाइम लगेगा? एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, शायद 1 घंटा लगेगा। क्या करूंगी मैं? यहाँ करीब में एक रेस्टोरेंट है, अगर आपको ठीक लगे तो चल के खाना खा लेते हैं वहां। मैं इतनी टेंशन में हूँ और आपको खाने की पड़ी है। आपको अंदाजा भी है कि अगर मेरी वैन यहाँ से भी मिस होगी तो मैं घर कैसे पहुंचूंगी? अगर मेरे घर वालों को मेरे लापता होने की खबर मिल गई तो मैं क्या करूंगी? नहीं खाना मुझे कोई खाना। अच्छा ठीक है, मैं तो आपके लिए ही कह रहा था, जैसे आपकी मर्जी। सुने, अब सॉरी, मैं अपनी टेंशन में हूँ, अजीब गुस्से में, पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया, जबकि आप तो मेरी मदद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, इट्स ओके। खाना खा लेते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। नहीं, हम खाना खाकर आ रहे हैं, जब तक प्लीज बना दे। आप अपने बारे में कुछ बता रहे थे। जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ और अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ यूं पहली बार इस तरह इतना दूर घूमने के लिए आई थी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछो। यही कि क्या मैं खुदकुशी करने वाला था? जी हाँ, करने वाला था। क्या मैं वजह जान सकती हूँ? बेसिकली मैं लोनली गाय है, मेरे से अकेलेपन के जिम्मेदार मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने कभी मुझे टाइम दिया ही नहीं। बाबा हमेशा बिजनेस में बिजी रहे और मामा अपने फ्रेंड सर्कल में। मैंने अपने अकेले पर उनका साथी फिर ड्रग्स को बना लिया।
दिन रात मैं नशे में धुत रहता था। एक भाई है मेरा, मुझसे बहुत प्यार करता है, उसे बहुत फिक्र है मेरी। उसी के कहने पे यहाँ एक रिहैब सेंटर है, मैं कुछ अर्से पहले वहां आया था, मैंने ज्वाइन कर लिया और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज घर जाने का प्लान था। मम्मा बाबा ने वादा किया कि वो मुझे पिक करने आएंगे और हम आज से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह वो दोनों नहीं आए। दिल टूट गया मेरा, मुझे लगा ये नई जिंदगी भी किस काम की है जब उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। बस इसीलिए सुसाइड कर रहा था। कुछ ऑर्डर करते हैं, क्या खाएंगे? एक्सक्यूज मी, लीजिए आ गया आपका स्पॉट। वो रही मेरी वैन, गॉड। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जिंदगी अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है, इसकी कदर करो। मेहर जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी। आपने कहा था ना, जिंदगी बहुत कीमती है, अगर इंसान अपने आसपास नजरें दौड़ाए तो जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई वजह मिल जाती है। मुझे भी मिल गई है और वो वजह आप है। आप मुझे बहुत अच्छी लगी है। I know it's too early to say this, पर आपको देखकर दोबारा जीने का दिल करता है। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। आप मेरे लिए अजनबी थे, पहली मुलाकात थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैंने आप पर ट्रस्ट किया, आपको अपनी मदद के लिए बुलाया। आपसे मिलकर अपनायत का एहसास हुआ, अपने से लगे आप। एक बात और, आप मुझे मेहर जी नहीं, सिर्फ मेहर बुला सकते हैं। मेहर कहाँ चली गई थी? फारिया कितनी परेशान हो रही थी। तुम लोगों ने मेरे घर पे तो नहीं बताया ना? हाँ, बस अभी करने ही वाली थी फारिया कॉल। शुक्र है तुम आ गई। शुक्र है अल्लाह का। बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी सब नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। Oh!
कैसा लग रहा है इतने अरसे बाद दोबारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर? दीवानगी जुनून। दीवानगी जुनून किस लिए? उस शख्स के लिए जिसके साथ वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता मुझे, जिसके साथ गुजरे महीने लगता है जैसे लम्हों में गुजर गए। इंटरेस्टिंग। और कुछ बताने के लिए? तो बहुत कुछ है। तो फिर बताइए ना, रुक क्यों गए? वो शख्स इसे रोज देखने के लिए आज इतने अरसे बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वो शख्स जिससे मिलने के बाद मुझे एहसास हो जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी कीमती है। प्यार किसे कहते हैं और ये प्यार इश्क और जुनून में कैसे तब्दील हो जाए? और वो शख्स जो अगर ना होता तो मैं कब का मर चुका हूं? मरने की बात बिल्कुल नहीं शबरीस, मुझसे एक वादा कर, जिंदगी में चाहे कुछ भी गलत आ जाए तुम वापस ड्रग्स की तरफ नहीं जाओगे और ना ही ये मरने की बातें करो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जब तुम साथ हो ना कुछ गलत नहीं। और अगर कभी मैं साथ ना रही तो? ऐसा कभी होने नहीं। किस चीज का रिमाइंडर? कल कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है उसके लिए। समरीन, अरे भाई इस वक्त तो लाइट नहीं जाती, आज क्यों चली गई? पता नहीं, शायद बाहर कुछ खराबी हो गई होगी। मेहर कहाँ है? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba John. Happy birthday to you. Thank you, thank you. अच्छा, तो ये लाइट तुमने बंद की थी? जी, आपको सरप्राइज जो देना था। Thank you बेटा, thank you, thank you. सरप्राइज? इसको तुम सरप्राइज कहती हो? ये एक केक लाकर छोटी मोटी सजावट कर तुमने मेरा तो सारा प्लान खराब कर दिया ना। मैंने पापा के लिए कल इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया हुआ था, एक बार पूछ तो लेती। सारा, आई स्वेयर मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि तुमने कुछ प्लान किया हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, अभी मेहर ने सरप्राइज दे दिया है, कल शाम तुम दे देना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बाबा, अब क्या फायदा होगा? हमेशा मेरे साथ ये क्यों करती हो? क्यों हमेशा अपने नंबर बढ़वाने की कोशिश करती हो? सारा क्या हो गया है? अगर तुम मुझे पहले बता देती ना तो हम लोग मिलकर ही कुछ प्लान कर लेते। शट अप मेहर, एक और लफ्ज बोला ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगी तुम्हारा। जारा, ये क्या बदतमीजी है? बड़ी बहन है वो, कितनी मर्तबा समझाया कि तमीज से बात किया करो। जब भी मैं कुछ अच्छा करने जा रही होती हूँ ना तो ये खामखा बड़ी बन जाती है और पानी फेर देती है हर चीज पे। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी बुराई क्या है? तुम्हारी बदजुबानी, जो इस वक्त भी माहौल को खराब कर रही है। मेरी वजह से माहौल खराब हो रहा है? ठीक है, आप लोग अपनी चहेती बेटी के साथ सेलिब्रेट करें, मैं चली जाती हूँ। सारा रुको, चुप करो। सारा, मैंने पहले भी कहा है बेटा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि सरप्राइज किसने दिया। मैं अपनी दोनों बेटियों से मोहब्बत करता हूँ। चलो मुंह ठीक करो, आओ केक काटते। सुन लिया? बाबा जान को हम दोनों से मोहब्बत है। जल्दी से अपना मुंह ठीक करो और केक कट करते हैं। हाँ आओ, आ जाओ आ जाओ, चले आ जाओ। अच्छा आप ये ले। अच्छा जी, अच्छा चले। हैप्पी बर्थडे। एक सेकंड, मैं वीडियो बनाती हूँ। यस।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. So, कैसी रही पार्टी रात को? Excellent as always. Good. सोच रहा था कि मेरे कुछ इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, क्यों ना एक पार्टी थ्रो की जाए? It's been a while. रख लें. हमदानी ने अपने नए प्रोजेक्ट की ओपनिंग की है. पिक्चर्स देखी हैं आपने? तमाम न्यूज़ चैनल्स उसके इस प्रोजेक्ट को मीडिया कवरेज भी दे रहे हैं. जाहिर है, ब्रेकिंग न्यूज़ तो बनेगी. मीडिया ओनर के साथ मिलकर तो उसने प्रोजेक्ट प्लान किया था. अजहर, आप क्यों नहीं कुछ ऐसा प्लान करते? आपने और हमदानी ने एक ही वक्त में बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन आज देखें वो आपसे कहीं आगे निकल चुका है. वो इसलिए आगे निकल चुका है क्योंकि उसकी बैक पे उसके ससुर थे. आप हमेशा ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आपके कई प्रोजेक्ट्स के एनओसीज मेरे भाइयों ने क्लियर करवाए थे? ओह कम ऑन, उसकी अच्छी खासी भारी कीमत वसूल की थी उन्होंने. आई गिव देम प्लॉट सी. सो अगर आपको याद हो, जब हमारी शादी हुई थी तब आप एक मामूली से स्टेट एजेंट थे और अब मारूफ बिल्डर. इस सब में भी मेरे पापा और भाइयों की मेहरबानी शामिल है. माजवीन, आई थिंक वी शुड नॉट गो दैट वे. शगुफ्ता, शगुफ्ता. जी बेगम साहिबा. कहाँ रह गए भाई साहब, बुलाओ ने. जैन साहब और नताशा भी आ रहे हैं. और शबरेज? शबरेज साहब तो बाहर गए. तुम जाओ. देख लें अजहर साहब, आज भी मिले बगैर चला गया. Like always. हेलो शबरीज, मैं तुम्हें इसलिए फ़ोन कर रहा था कि यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने महर के साथ बदतमीजी की है. हम लोग ग्राउंड में मौजूद हैं, तुम बस फौरन पहुंचो यार. महर, चुप हो जाओ ना बस. शबरेज आने ही वाला होगा. तुम्हें शबरेज को नहीं बताना चाहिए. महर, कौन है वो लड़का? वो रहा वो राइट शर्ट वाला. जल्दी दो. कुछ नहीं हुआ शबरेज, मैं ठीक हूँ. तुम साथ चलो. कहाँ? बैठ दो मुझे. चलो मेरे.
तेरे साथ मैं कह रहा हूं। हाँ हाँ ये बात ही थी, ये बताओ तुम कैसी? अरे मैं तो पेशेंट, हम काफी देर से, आप इमरजेंसी में ले जाएं। इमरजेंसी में ही थे, मैं कोई डॉक्टर नहीं, प्लीज आप चेक कर लें एक बार। आप वेट करें डॉक्टर, प्लीज काफी देर से खून बह रहा है, आप एक बार चेक कर लें, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। आपको नजर नहीं आ रहा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ खून निकल रहा है, चेक करो, क्या फजूल बातों में लगे हुए हो? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तुमने मेरी अभी देखी नहीं है। देखिए इस तरह बदमाशी नहीं कर सकते आप। तुम चेक कर रहे हो या मैं तुम्हें बताऊं? प्लीज करता हूं, इमरजेंसी में आए। चलो जी जी मिसेस दुरानी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो बुटीक की ओपनिंग की। जी मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी इनॉग्रेशन के लिए। जी चले फिर मुलाकात होती है। ओके खुदा हाफिज़। मामा नताशा कुछ बात करना चाह रही है आपसे। हाँ बोलो। वो आप घर का इंटीरियर चेंज कर रही हैं ना? हाँ। वो आंटी मैं चाह रही थी कि मैं अपने रूम का इंटीरियर अपनी मर्जी से करवाऊँ। एक्चुअली मेरा कज़न आया हुआ है यूके से पढ़ के, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो नताशा तुम ये बात हमेशा क्यों भूल जाती हो कि इस घर में कब कैसे और क्या तब्दीली आनी है उसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। आई अंडरस्टैंड आप घर अपने हिसाब से ही डेकोर कीजिए, लेकिन मैं तो सिर्फ मैं अपना रूम अपनी मर्जी से डेकोर करना चाहती हूँ। तुम्हारा रूम इस घर की हुदूद में आता है, जब इस घर की हुदूद से बाहर निकलोगी ना तो तुम्हारा जो जी में आएगा वही करना। मामा करने दे उसे अपनी मर्जी, एक रूम की ही तो बात है। अभी एक रूम की बात है, कल को ये पूरे घर पर हुक्मरानी के ख्वाब देखेगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। I'm sorry, आंटी, लेकिन अपने रूम का इंटीरियर मैं अपने कजन से ही करवाऊंगी। और आई गेस ये मेरा हक है। सो प्लीज अंदाज देखा है तुमने इसका, मुझे चैलेंज करके गई है तुम्हारी मां को। मामा क्या गलत कह के गई है वो? उसने बस अपनी पसंद का इजहार किया है आपके सामने, दैट्स इट। ओ मैं भी किससे गिला कर रही हूं जैसे अपनी बीवी में कभी बुराई नजर नहीं आई। वैसे तुम्हें पूरी दुनिया में यही मिली थी शादी के लिए। मामा क्या बुरा ये नताशा में, उसका स्टेटस हमारी फैमिली के स्टेटस से मैच करता है, पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन आपको इतनी बुरी क्यों लगती है वो? क्योंकि ये तुम्हारी पसंद है, मेरी नहीं। मुझे तो इसकी शक्ल तक अच्छी नहीं लगती। इस घर की बहू में जो खूबियां होनी चाहिए उनमें से एक भी क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। तुम्हें पता नहीं क्या नजर आता है इसमें, पिछले कई सालों से एक औलाद की खुशी तो तुम्हें दे नहीं सकी है। पता नहीं कैसे इस बांझ के साथ तुम रिश्ता निभाए जा रहे हो। मामा
संभल गए जी। थैंक यू। वेलकम। तुम्हें डॉक्टर को यूं प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था, मामूली सी चोट है, तुम्हारे लिए मामूली होगी, मेरे लिए नहीं। मेरी तो जान पे बन गई थी। ठीक हूं सरप्राइज। मैं तुम्हें कभी कुछ होने भी नहीं दूंगा। लेकिन उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा मैं। अब क्या मतलब शबरेज, तुम पहले ही उसके साथ बहुत कुछ कर चुके हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे बदतमीजी करने की, तुम्हें छूने की? मेरी बात सुनो, तुम अब उसे कुछ नहीं करोगे। उसे सबक सिखाए बिना चुप नहीं रहूंगा मैं। उसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। शबरेज, मेरे कहने पर भी नहीं। तुम्हारे कहने पर तो जीना भी छोड़ सकता हूँ।